वायरलेस ईयरफोन। ग्लोबल का वो मार्केट जो कि आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, फर्स्ट नेक बैंड, सेकेंड ईयर पॉड्स। एंड हम सबको पता है कि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम एक ईयर पॉड्स को बाय कर सकें, तो इसको देखते हुए बाकी कंपनियां लॉन्च कर रहे हैं अपने सस्ते वर्जन ऑफ ईयर पॉड्स जिन्हें हम ईयरबड्स के नाम से जानते हैं। एंड आज की वीडियो के अंदर लोग बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बजट सेगमेंट मतलब कि अंडर 1000 रुपीस में आने वाले ऐसे पांच ईयरबड्स जिनको आप बाय कर सकते हो। एंड पांचों का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप में से कोई उन्हें बाय करना चाहता है तो वहां से जाके बाय करके चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जिससे पहले मैं ईयरबड्स के बारे में बात करना शुरू करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैंने किसी भी ईयरबड्स को किसी भी नंबर पे नहीं रखा है। सेकंड कि मैं आपसे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए सभी बेस्ट ईयरबड्स चूज करे हैं, बट मैं एक लाइन बोल सकता हूं कि सभी आपके वन ऑफ द बेस्ट हैं। लेकिन कैसे, तो बता दूं कि सभी का जो प्राइस सेगमेंट होगा वो आपका अंडर 1000 रुपीज होगा। सभी में जो आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलेगा वो मिनिमम आपका ब्लूटूथ 5.0 एंड काफी में तो आपका ब्लूटूथ 5.2 का भी होगा। सभी के अंदर आपको मिनिमम IPX4 की रेटिंग देखने मिलेगी जो कि आपके ईयरबड्स को काफी हद तक वाटरप्रूफ बना देती है। एंड जितने भी मैंने ईयरबड्स आप लोगों के लिए चूज करे हैं उनका जो बैटरी बैकअप है सिंगल चार्ज के अंदर वो लगभग आपका 4 घंटे का है। एंड अगर आप उनका यूज उनके केसेस के साथ करते हो तो आपको कम से कम 40 घंटे तक का बैकअप देखने को मिलेगा जो कि मैं मानता हूँ मोर देन इनफ हो जाता है। एंड सभी की जो बिल्ड होगी वो आपकी प्लास्टिक के अंदर होगी। सभी में आपको टच सेंसर देखने को मिलेंगे आपको कंट्रोलिंग के लिए, चाहे फिर आपको अपने फोन का वॉइस असिस्टेंट को कंट्रोल करना हो, चाहे फिर आपको अपने म्यूजिक को कंट्रोल करना हो। नंबर 5 Ambrand.38 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स जो कि आपको Amazon के ऊपर लगभग 1000 रुपये में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कंपनी आपको वही बेसिक फीचर ऑफर करती है जैसे कि एक प्रॉपर प्लास्टिक बिल्ड, दो कलर ऑप्शन ग्रीन और व्हाइट एंड ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट जो कि मैं मानता हूँ कि आज के टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा ठीक है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देती है जो कि मैं मानता हूँ कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। वहीं अगर बात आती है IPX रेटिंग की तो इसके अंदर आपको IPX4 की रेटिंग देखने मिलती है जो कि इसे वाटर प्रूफ बना देती है। और कंट्रोलिंग के लिए कंपनी इसमें आपको टच सेंसर प्रोवाइड कराती है। 10mm के ड्राइवर के साथ आने वाले ये ईयरबड्स आपको काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं। साथ ही अगर आप इन्हें व्हाइट कलर के अंदर बाय करते हो तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत फील ना ईयर पॉड्स वाले आने वाली है क्योंकि ये आपको स्टिकी डिजाइन के अंदर देखने मिल जाते हैं। बाकी कंपनी ने Amazon की इसके बारे में और कोई एडिशनल डिटेल नहीं दी है, साथ ही मैं आपको सारे फीचर पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आपको बजट 1000 रुपए एंड अगर थोड़ा सा एक ईयर पॉड्स वाला लुक चाहते हो तो आप इनको जरूर से बाय कर सकते हो। नंबर 4 पीट्रॉन बेस बड्स विजिटा 1000 रुपए प्राइसिंग में आने वाले ये ईयरबड्स आपको ऑफर करते हैं प्लास्टिक की बॉडी, 10mm के ड्राइवर जो कि आपको काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं एंड 40mAh की बैटरी इनके ईयरबड्स के अंदर एंड 400mAh की बैटरी इसके केस के अंदर। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इनका यूज काफी लंबे टाइम तक करने वाले हो तो वो लगभग आप 25 से 30 घंटे तक कर पाओगे विद केस, एंड अगर आप इनका यूज सिंगल चार्ज के अंदर करोगे तो वो लगभग आपको 3 घंटे का बैकअप ऑफर करने वाले हैं। अगर वेट के बारे में बात आती है तो जो इनका टोटल वेट है वो है आपका 45 ग्राम का, एंड अगर आप केवल इनके बड्स के वेट के बारे में बात करते हो तो वो आपको 4-4 ग्राम के देखने को मिल जाते हैं। एंड इनके अंदर भी आपको वही IPX4 की रेटिंग, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड वॉइस असिस्टेंट वाले सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसके कॉन्स के बारे में बात आती है तो इसके अंदर आपको टच सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो Ambrand के डॉट्स उस मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो इनका पॉजिटिव साइड है वो है कि इनके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि इनकी कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। एंड अगर आप लुक से पीछे नहीं जा रहे हो एंड आपको स्टिक वाले ईयरबड्स यूज करना पसंद है, ये आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। बाकी हाँ, जिससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर कर दूं कि सभी ईयरबड्स के अंदर आपको माइक, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जितने कॉमन फीचर होते हैं वो सभी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो नो डाउट कि मैं उसको रिपीट कर करके वीडियो का वॉच टाइम ज़्यादा गेन नहीं करना चाहता हूँ एंड आप लोगों टाइम में थोड़ा सेव करना चाहता हूँ, तो इस मामले में एक लाइक तो बनता है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो मेरा चैनल है वो आपका एक गेमिंग रिलेटेड चैनल है, तो ऑफ कोर्स मैं गेमर्स को कैसे भूल सकता हूँ, तो मैंने उन लोगों के लिए चूज किया है माल्टेक का डिफेंडर गेमिंग ईयरबड्स जो कि आपको Amazon की पर 1000 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है, जहां पर कंपनी आपको ऑफर करती है
ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट, जो कि आपका जो लेटेंसी टाइम है उसे काफी ज्यादा कम करता है। एंड इसके अंदर आपको 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी देखने को मिलती है, जो कि आपकी उससे भी कम है। तो नो डाउट कि अगर आप गेमिंग करते हो एंड अगर आपको वायर वाला झमेला नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक राज की बात बताऊं, गेमर्स के लिए ना वायर ईयरफोन या फिर वायर हेडफोन ही बेस्ट होते हैं। तो ऑफकोर्स मैं आपको बोलूंगा कि आपको इनको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए एंड लुक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। वहीं आपको कॉमन फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका नॉइस कैंसिलेशन। बैटरी के बारे में बात आती है तो 1200 mAh की केस में बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपको 40 घंटे तक का प्ले बैक टाइम प्रोवाइड कराती है। ये आपको ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि इन्हें काफी ज्यादा कूल बनाते हैं। बाकी सभी कॉमन फीचर है जिन्हें आप जाके अमेजोन के ऊपर पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप एक गेमर हो तो आपको ऑफकोर्स में ज्याले ईयरबड्स बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स 50 मिलीसेकंड का टाइम बहुत ही कम ईयरबड्स में देखने को मिलता है। नंबर 2, टीट्रॉन बेस बड्स प्रो। ऑफकोर्स जो ये आपके ईयरबड्स है, ये उन बंदों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं जिनके लिए लुक्स मैटर करते हैं, जो कि आपको 1000 रुपए की कीमत पे देखने मिलते हैं। एंड इनका जो डिजाइन है वो प्रॉपर आपका ईयरबड्स वाला किया गया है। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात आती है तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने मिलता है, जो कि इनकी जो लेटेंसी है उसको थोड़ा कम कर देता है। अपनी आपको कंट्रोलिंग के लिए इसके अंदर टच सेंसर एंड IPX4 की रेटिंग प्रोवाइड कराती है, जो कि इसे काफी हद तक वाटर प्रूफ बनाती है। एंड अगर आप इसको पहन के जिम वगैरह भी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है। लेकिन ऑफकोर्स अगर आपको एक काफी अच्छा लुक चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो इसका जो आपका बैटरी बैकअप है वो आपका सिंगल चार्ज के अंदर लगभग 4 घंटे का आता है। एंड जिस समय आप इसे केस के साथ यूज करोगे तो ये तब आपको 12 घंटे का बैकअप देते हैं, जो ऑफकोर्स थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आपको लुक्स चाहिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। एंड अगर बाकी इसके और फीचर के बारे में बात आती है तो इसके अंदर आपको 8mm के ड्राइवर देखने मिलते हैं। एंड इनके जो बड्स का वेट है वो लगभग आपका 4 ग्राम के आसपास है। एंड इसके बाद वही सारे कॉमन फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें जाके ऑफकोर्स आप Amazon के पढ़ सकते हो। एंड ऑफकोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप में से कोई बंदा बाय कर रहा है तो एक बार जरूर से जाके ध्यान से पढ़ लेना। नंबर 1, ट्रूक फिट 1 प्लस। अब काफी लोग क्वेश्चन होगा कि भैया ये ईयरबड्स नंबर 1 पे क्यों है। तो ऑफकोर्स वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैंने किसी को भी किसी भी नंबर पे नहीं रखा है, सभी आपके रैंडमली रैंक करा रहा हूँ। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात आती है तो इसके अंदर आपको सभी कॉमन फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको 10mm के ड्राइवर, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट, लो लेटेंसी टच कंट्रोल और IPX4 की रेटिंग। बट एक ऐसा फीचर जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल बनाता है वो है इनका प्ले बैक टाइम, जो कि है आपका 48 आवर्स का। एंड ऑफकोर्स इतना टाइम लगभग 2 दिन काफी ज्यादा होता है अगर आप अपने केस के साथ यूज करते हो। एंड वहीं अगर आप इनका यूज सिंगल चार्ज के अंदर करने वाले हो तो कंपनी का क्लेम है कि आप इन्हें एक साथ 12 घंटे तक यूज कर पाओगे सिंगल चार्ज के अंदर। नो डाउट अगर आप एक ट्रैवलर हो एंड आपको बैटरी की बहुत ज्यादा नीड है तो ऑफकोर्स ये आपके लिए हो सकते हैं। बाकी इसमें भी वो आपको सभी कॉमन फीचर देखो मिलते हैं, जो कि आपके एक ईयरबड्स के अंदर होते हैं। तो उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो।